दो ही स्केरी मोमेंट होता था, एक जब बचपन में मम्मी हमको नवाने के लिए दौड़ाती थी दैट वाज लाइक समथिंग कि आप सोचो। तो बेसिकली अभी हुआ ये कि श्रेष्ठा गई थी नीचे, क्या करने गई थी? अरे दूध खत्म हो गया था तो खरीदने के लिए गया था दूध। हाँ तो दूध लाने के लिए नीचे गई थी। उतनी देर में बिग बास्केट से कुछ 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 चीजें आई। एक बिस्किट है, उसका नाम क्या है? गैरी, इंपोर्टेड बिस्किट इट इज, सुगर चीज क्रैकर्स। तो बड़ी दिक्कत की चॉइस। हाँ बड़ी दिक्कत की चॉइस। दो बिस्किट्स का पैकेट था, और क्या था छोटे? और मिंट था, और मिंट था, और भी कॉटन और कॉटन था। तो ये सारी चीज़ें, और मैंने देखा कि बस तीन ही सामान, तीन चार सामान ही था, 510 रुपए का था। तो श्रेष्ठा तो नहीं थी, तो आई डिड स्वाइप। फिर ये वापस आई तो बताई कि ये बिस्किट ये अपने तरफ से मुझे खिलाना चाहती है, शी वॉन्टेड मी टू टेस्ट इट बिकॉज ये दीदी का पसंद है, मतलब बड़ी दीदी का पसंद है। हमारे गाँव बोले या शहर बोले, हमारे गाँव में बांका में जब ये लोग थी तो ये लोग ढूंढ रही थी लेकिन मिला नहीं। नहीं बड़ी दी लेकर। अच्छा बड़ी दी लेकर आई थी। तो ये बिस्किट जो है इसके तरफ से होने वाला है, अभी ये ऑफिशियली पेमेंट नहीं किए, तो ये पेमेंट ऑफिशियली कर देगी। बाय द वे उधर चल रहा है दिल्ली क्राइम। सो दिल्ली क्राइम इज गोइंग ऑन, एपिसोड 4 तक मैं पहुंच गया हूं। सो This Gary, let's see अभी ये कैसा। फैन चलाओ, फैन। क्या कहोगे? It's too costly हाँ, ये छोटा पैकेट है इसका, इतना बड़ा वाला इसका 400 का। It's damn costly। कितने रुपए का है? 60 का है, सिर्फ 4। 60 रुपए में 4 बिस्किट। Not bad. Anyways, welcome back to my YouTube channel, guys. I hope you are doing absolutely wonders in your life by ignoring negativity and by accepting positivity and by being thankful to Almighty. तुम नहीं वैसे सोच रहे हो ना, बट जो खरीदते हैं, नहीं खरीद रहे हो, but the thing is तुम प्राइस उतना नहीं देते, तो लोग चेक करते हैं। By being thankful to Almighty for whatever you have in your life. तो आज का तारीख 31st of May. Today is 31st of May and it's 30 degrees Celsius. तो इट इज 31st ऑफ मई, शुक्रवार, 8:39 AM हो रहा है, एंड द टेम्परेचर इज सच में 30 डिग्री सेल्सियस, इट इज स्पेशली क्लाउडी। तो अभी अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, रिकॉर्डिंग करके आया, फिर डेली क्राइम ही चल रहा है सारा, एडिट वगैरह करने के बाद। और अभी हम लोग पी रहे चाय, अभी चाय और चाय पे चर्चा बस चल रहा है। चलो अभी मिलते हैं। So basically I must say I have fallen in love with this biscuit और इसको हमेशा खाने का। Thanks to Badi Di। Thanks to Badi Di for this grey। Gary। मजा आ गया यार, मतलब हम तो फिर पता नहीं कितने मोटे हो जाएंगे, हर दिन दो चार। तो इसी बात पे आने वाला है हम लोगों के घर में Gary का एक पूरा box। बड़ा वाला box। बड़ा वाला box मंगवा, इसीलिए देखो येलो येलो पहन। एक्चुअली खत्म कर सकते हैं इसको। ऑल थैंक्स टू बड़ी दी। बड़ी दी इतने अच्छे बिस्किट से, वो हर बार ना कुछ अलग ही चीज से इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब उसका पसंद थोड़ा हम तीनों से अलग है। अलग ऐसा है, नहीं हमको भी ये बहुत पसंद हुआ उसका यूनिक, हमको... तो हम लोग उसके थ्रू इसको जानेंगे। नहीं नहीं हमको पसंद है ये, बड़ी दी का पसंद है। बेसिकली हम लोग जब छोटे थे तो ऐसा होता था कि बड़ी दी ऐसा बोलते थे, अरे ये तो मेरा, अरे ये तो मेरा पसंद है, अरे वो तो मेरा फेवरेट है, तुम्हारा भी अब फेवरेट हो गया क्या? इसलिए लाइट चला गया। अभी तुम क्यों बोले इसीलिए लाइट चला गया? बड़ी दी कमेंट डाउन बिलो इफ यू आर वाचिंग दिस। हम लोगों के घर में क्या होता था ना, जब जैसे ही लाइट कट जाते थे तो हम लोग बिजली ऑफिस तुरंत एक मिनट के अंदर फोन करते थे और बोलते थे हम लोग यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं, लाइट के बिना एक मिनट नहीं रह पाते हैं, और मतलब पूरा इरिटेट कर देते थे बिजली ऑफिस वाले को। और ये भी क्रेडिट जाता है हमारी बड़ी दी को, क्योंकि नंबर उसको याद था, मतलब अच्छा बिजली से याद आया, पानी पानी से याद आया, बारिश बारिश से याद आया, इसको भी गाना सुना है। गाना, I heard the song, मतलब कल भी एक बार हम सुन चुके थे, मतलब that was live, अभी recorded, अभी ये second time था, I liked the song।
म्यूजिक बहुत आउटस्टैंडिंग है. म्यूजिक इज एडिंग द ब्यूटी टू द सॉन्ग. एंड आई थिंक ये बोल रहा है बारिश होगी मुझे लग रहा है कि दिन में बारिश होने वाली है. चलो सो अभी मैं चालू करता हूँ दिल्ली क्राइम्स. Got done with Belly Crime. 7 एपिसोड था, 7 का 7 एपिसोड ख़त्म हो गया. एंड द टाइम अपडेट इज 1:06 PM. बेसिकली सीरीज देखना एक एडिक्शन है, बट इट्स अ गुड एडिक्शन. मैं दिल्ली क्राइम के बारे में बात करता हूँ लेकिन उठने के बाद. चलो मिलते हैं. Because I'm madly feeling like I am feeling sleepy like hell. See you. PM. So I woke up somewhere around I guess 5:30 ke aaspaas. So this is you can say bed tea, but not the morning bed tea. Naya gaana release hua hai Kabir Singh ka. Composed by Mithun and sung by Arijit. Suggested by Shrestha. I do like this song. Cheers. So the time update is 7:19 PM with 31 degrees Celsius temperature. It's partially cloudy. So basically क्या हुआ ना, मैं क्योंकि 1:30 बजे सोया और 5:30 बजे उठ गया, उसके वजह से हमारे सर में दर्द हो रही है. इस तरफ जो है हमारा रूम काफ़ी ठंडा है बिकॉज ऑब्वियसली एसी जो है ऑलमोस्ट 24 आवर्स चलता है, और इस तरफ जो है थोड़ा यू नो गरम गरम सा वाइब आ रहा है. और आज श्रेष्ठा ने जो है ये देखिए, आप प्लीज़ देख लीजिए. ओह माय गॉड, शी इज मेकिंग यू नो लबाबदार पनीर ना श्रेष्ठा. और पता है ये कितनी बड़ी यू नो शी इज सच अ मतलब क्या क्या सचारे जला आया. तो बेसिकली मैं सो रहा था, इसको मालूम था कि मैं दिल्ली क्राइम एपिसोड ख़त्म करने के बाद मैं सो जाऊंगा. ये मुझे 1:30 बजे या 2:30 बजे कॉल करके पूछिए कि तुम मेरा शो रूल कब बना दोगे. एंड ट्रस्ट मी दैट टाइम आई वाज गेटिंग इनसाइड द डीप स्लीप जोन. बट फिर भी तो सोए ना यार. देखो बोल रहा है तो क्या हुआ फिर भी तो सोए ना. तो कॉल भी आ रहा है तो चलो मैं कॉल लेके आपसे बात करता हूँ वापस. सो इन शॉर्ट बात ये है कि हमारी जो है थोड़ी हमारे सर में जो है थोड़ा दर्द हो रहा है. अभी ये क्या है श्रेष्ठा, ग्लूकोन डी? तो मैं नींबू पानी पी रहा हूँ थोड़ा फ्रेश होने के लिए. फ्रेश मतलब माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए. आज बेसिकली जानवी जा रही है घर, 8:30 बजे उसकी बस है. तो आज मैंने हालांकि कोई भी क्लास वगैरह नहीं रखा, सिर्फ आयुष का था तो मैंने जो है उसको कल के लिए ही रख दिया बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग सो वेल. बट एनी और रियाज और ये करना है. कल का एक दिन था जो मैंने पूरा एक दिन जो है यू नो एक रिलैक्स्ड डे निकाला, क्योंकि आई बिलीव हर किसी हर एक इंसान के दिन में एटलीस्ट महीने 2 महीने 6 महीने में एंड यू नो 2-3 महीने से मैं नॉन स्टॉप यू नो काम कर ही रहा हूँ. तो मैंने सोचा कि एक दिन थोड़ा रिलैक्स्ड तरीके से रहें. तो कल के दिन जो है अपना सिंगिंग वीडियो का एक गैप लिया आफ्टर यू नो मे बी 60-70 डेज. तो आज वापस उसको रिज्यूम करेंगे. मेरे सर में दर्द हो रहा है बट एनी वेज नो वरी. तो आज चॉपस्टिक जो है वो रिलीज हो गया है नेटफ्लिक्स पे, होपफुली हम दोनों साथ में देखेंगे. श्रेष्ठा जो है श्रेष्ठा इज एन एक्टर बट सी डोंट लाइक वॉचिंग यू नो सीरीज एंड ऑल, बट इट्स ओके यू नो. देखो अरे हम तुमसे पूछने के लिए आए कि तुमको कौन सा वाला चाहिए, रायता कौन सा वाला खाओगे? रायता कौन सा वाला खाओगे? जो भी बनाइए आप, जो भी बनाएगा अच्छा ही. तो अभी मैं बस ये पानी पीता हूँ और बस निकल रहा हूँ. बूंदी का खाना है, फ्रूट्स वाला खाना है, कौन सा वाला खाना है, या फिर ककड़ी वगैरह डाल के? व्हाटएवर यू मेक, आई एम ओके विद व्हाटएवर यू मेक बिकॉज़ यू आर सच अ ब्रिलियंट कुक. ये देखिए ये ऐसे इंसान है जो ईयरबड का इस्तेमाल करके उसको वापस से और मैं क्या बोल रहा था, हाँ बेसिकली आज ये मेरे से सुबह सुबह मतलब 10-11 बजे ये पूछ रही थी कि उपमा खाओगे, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली आई हैड दैट वो मैंने बिस्किट जो है पूरा एक ही बार, मतलब मैं ऐसे ही खाता हूँ. 5-6 बिस्किट था, मतलब 2 एक पैकेट में शायद 4 या 6 बिस्किट रहता है.
तो मैं एक पैकेट पूरा ख़त्म कर दिया, दो पैकेट पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद शी वॉज ऑफरिंग मी उपमा, आई डिनाइड। फिर उसने उपमा बनाया और उसने कहा कि उपमा जो है बहुत ही थर्ड क्लास बना था। तो बेसिकली ऐसा होता है ना कि बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी श्रेष्ठा कुछ खुद के लिए जब भी कुछ बनाती है, नहीं मैगी वगैरह भी जब भी खुद के लिए बनाती है ना, तो चीज़ें जो है बहुत अच्छी नहीं बन पाती है। लेकिन जब वो हमारे लिए बनाती है तो कुछ अलग अद्भुत ही बन जाता है। ये देखो उधर खिड़की खोल के वार्म अप कर रहा है, ऑब्वियसली सुंदर लग रहा है। तो चलिए अभी निकला जाए, मिलते हैं क्लास में, फिर जानवी को विदा भी कर देते हैं और अपना रियाज प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और ये भी दिखा दो, इतना पानी आजकल मेरे द्वारा फेंका जाता है, ऑलमोस्ट इतना रहता है हर दिन। नहीं नहीं मैं फेंक दूंगा। बाहुबली मैं बस यही सोच रहा हूँ कि ये भी एक दिन है। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यू नो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी हियर एंड देयर एंड वाई डू आई स्टे इन दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग एंड वाई एसी वाला चीज़ इस तरीके से रखता हूँ। यू नो रिमेनिंग कनेक्टेड टू सम ऑफ द यू नो सिंप्लिसिटी आई लव इन अ डिफरेंट वे। मैं पैसे खर्च करता हूँ बहुत ही यू नो रईस की तरह, बट लेकिन मैं चीज़ों को जो यूज़ करता हूँ वो यू नो इट्स लाइक वेरी डिफरेंट एंड आई लव बींग कनेक्टेड टू द ग्राउंड एंड दिस होम इज़ लाइक सो टच्ड इन माई हार्ट यू नो। अब मैं क्या ही बोलूँ, ये घर हमारे लिए क्या है वो एक वक्त ही बताएगा। आप लोगों को पता है आज ना, ए दूर रखो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरी बदसूरती को पूरा बाहर कर दोगे क्या? हाँ बोल। आज आप लोगों को एक बात पता है, श्रेयस शांडिल्या ने ना मेरे लिए एक सीक्रेट गिफ्ट है ना ऑर्डर किया, जब वो आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है? हाँ इसने थोड़ा जो हमारा खर्चा करवा दिया बहुत। अभी और होएगा। अच्छा, काफी दिन से इसको मैंने कुछ गिफ्ट नहीं किया था, तुमने बोला ठीक है चलो। तो चलिए अभी चला जाए, थोड़ा मेरे फोटो को एडिट कर देना, थोड़ा मेरे पार्ट को। चलो चलो ओके बाय, टाइम से आ जाना। सो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू से कि ये मैं क्यों रखा हूँ बकेट को इसी तरीके से, वो ये है कि एक वक्त था कि इस जगह पर गर्मी के दिन में बहुत सारे यहीं इसी हॉल में बहुत सारे लोग क्लास करने के लिए आते थे और उस वक्त जो है सिर्फ फ़ैन था, मतलब एसी भी नहीं था। तो मैं उस दिन को याद करता हूँ, फिर मैंने ये एसी खरीदा यू नो एंड तो वो मुझे जो है ना वो दिन याद दिलाता है कि जब एक वक्त था कि पंखे के बिना यू नो और बहुत सारे लोग साथ में यहाँ पर, मतलब 5-7-10 लोग इसी हॉल में, सोलफुल म्यूजिक एकेडमी वॉज हियर, यहाँ पर बैनर लगा हुआ था और फिर धीरे एसी आया। तो यू नो आई फील हमेशा ऐसा लगता है यार कि कहाँ से स्टार्ट किए हैं एंड वो हमेशा एक अच्छा वाइब देता है एंड वी शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड टू द रूट। एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं कभी भी यू नो बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं करना चाहूँगा, चाहे हमारे अकाउंट में 9 digit भी पैसे रहे। अच्छा लगता है बहुत यू नो स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी 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 बेसिक थिंग एंड टुडे ऑलमाइटी हैज़ यू नो ब्लेस्ड विद मेनी थिंग्स। तो बस ये एक बस मेमोरी है, बस ये एक मेमोरी है, यही मैं बताना चाहूँगा, बस और कुछ नहीं। क्योंकि खर्च तो इतना होता है जितने में कि अभी क्या ही बोले। अभी जो अपना एकेडमी का जो सेटअप हुआ है एसी का, तो एकेडमी का जो एसी सेटअप हुआ है वो बेसिकली उसमें इसको ये पाइपिंग होता है। तो ये देखो इसमें क्या है, यूजुअली कोई भी एसी अगर आप खरीदते हैं तो एसी इतना रहेगा और यहाँ से इतने दूर तक जो है ये वायर रहता है, मतलब मे भी आप रख लो कि मैक्स टू मैक्स 10 feet का वायर रहेगा, 10 feet, हाँ 10 feet के आसपास। उससे ज़्यादा आप जितना भी ऐड करते हैं ना उतना पैसे लगते हैं। तो हमारा जो एकेडमी का जहाँ पर एसी लगा है और हमारा जो वॉशरूम है एकेडमी का, उसका डिस्टेंस जो है कम से कम आप रख लो 10, 20, 30, 40, कम से कम 50 feet है। और 50 feet ये एसी का सिर्फ ये सेटअप कराने में जो किया है प्लस डकिंग वगैरह, उसका खर्चा सिर्फ अराउंड 75,000 to 90,000 rupees हुआ है, ये सिर्फ एसी का सेटअप करने का। एसी का प्राइस अलग, so it's not about the money, it's just about you. I hope you connected with what I said. It's never about the money, because money how I spend and to get this thing solved will be a very silly thing, but yes wahi maine kaha ki bas ek memory hai jo kafi acha lagta hai ki isi jagah par main yahi par bed tha
पहले जो एक गद्दा लगा हुआ था वो गद्दा इन लोगों ने तो दे दिया हमारे ताई को, ताई मतलब जो इधर काम करते थे, मैं इन लोगों को तो पहले गद्दा हुआ करता था तो मैं गद्दा पर ही बैठ के क्लासेस लेता था। फिर मैंने ये बेड बनवाया था, हालांकि अब ये बेड बंद ही पड़ा हुआ है, फिर अब करलोन यूज होता है, तो बहुत सारा चीज़ है। सो अच्छा लगता है। इस जगह का अब सिक्स्थ एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा एक 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 जून से। अभी लैंडलॉर्ड का मैसेज आया था कि वो एग्रीमेंट को रिन्यू कराएंगे, तो यस अभी लेट्स गो। सर में काफ़ी दर्द हो रहा है लेकिन इट्स ओके। कौन सा गाना? बदसूरत। हाँ सुनाए थे। So basically I'm looking my you know, before I used to write the songs on this diary is gifted by my dad. तो वही देख रहा हूँ कि मैं क्या अद्भुत सब चीज़ ली यार। सो आई एम राइट नाउ आई एम ऑन द 66th नंबर। सो एक मस्ती ज़्यादा गाना लिखा है, मतलब कितने सारे गाने हैं, मतलब सब है पर नहीं है तेरे बिन ये जमीन आसमान धूप भी और खड़ा है। आई वांट से दिस वाज वन ऑफ माय फर्स्ट चेक व्हिच आई रिसीव्ड टू डू अ शो इन करजत। सो दिस इज बाय विजया लक्ष्मी जी, विजया लक्ष्मी एस सुवर्णा, साहिल मोहन सुवर्णा। ओह माय गॉड दिस इज सच अ बिग नेम। सो ही वाज द फर्स्ट ऑफिशियल स्टूडेंट ऑफ, मतलब उनके बच्चे थे पहले दो, फर्स्ट टू फर्स्ट थ्री ऑफिशियल स्टूडेंट, दो उनके बच्चे थे और एक उनके बच्चे के फ्रेंड थे, तो वहाँ से एकेडमी स्टार्ट हुई थी। दैट वाज 24th अक्टूबर 2012। अभी देखो इसको बंद कर दो क्योंकि लिरिक्स हम पब्लिश नहीं कर सकते। सो द टाइम अपडेट इज 8:54 PM विद 30°C टेम्परेचर इट सेज। सो बेसिकली मैं इधर आया तो विधि करके एक एक्स स्टूडेंट है, वो बाजू में ही रहती है, जानवी के घर के बाजू में ही रहती है, तो उसका गिटार यहाँ से यहाँ पर पड़ा हुआ था, एक लेफ्टी गिटार था स्क्वायर कंपनी का। सो सी केम अलॉन्ग विथ हर मदर टू टेक इट अवे। वो 6-8 महीने से आई नहीं रहते, गिटार इधर पड़ा हुआ था। एंड देन कुछ इंक्वायरीज का कॉल आया, मैं अभी पापुदा से बात किया, मैं पापुदा से यही बात कर रहा था कि आने वाले हमारे 100-500 गाने का कैसे एक बार ही कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बना लें और गाना जो है अपना आते रहे, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। क्योंकि मैं अभी देख रहा था, आपने देखा ही कि वो पुराने डायरी को मैं देख रहा था, मैंने कितना कुछ लिख के रखा हुआ है। तो ये देखिए जानवी जो है आजकल क्लास करने इतना सारा कुछ लेके आती है, बैग ये वो बोरियाँ बिस्तर सब लेकर आती है क्लास करने के लिए। तो बेसिकली जानवी जा रही है तो इसको मैं छोड़ने के लिए जा रहा हूँ बस स्टैंड तक, तो चलिए उधर। और अंजू भी अभी का भी कॉल आया था, तो लेट्स सी ही विल बी कमिंग टू लिसन द सॉन्ग विच वी रिकॉर्डेड यस्टरडे। ऑब्वियसली यू गाइस कांट लिसन इट बिकॉज यू नो थोड़ा सा है, अगर यू नो इफ यू अरे बाय बाय बाद में सुन लेना बाय चलो चलो सब बेटर वी गो। तो क्या हुआ ना उसमें पता चलेगा। बाय जानवी, टाटा। तो जानवी की हो रही बस, जानवी जा रही है। अंजू भैया 10 बजे आने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी वापस एकेडमी चले जाऊँ और एकेडमी में जाके आई विल बी रेस्टिंग। पता नहीं मैंने किसको बाई किया, वो है भी है। एनीवे चला जाए एकेडमी, मैं थोड़ा पार नैप ले लूँगा एकेडमी में, फिर भैया आएंगे, भैया को गाना सुनना है, तो चलिए। तो करेंटली आई एम इन द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, लेट्स गो। सो द टाइम अपडेट इज 9:27 PM विद 31 डिग्री टेम्परेचर इट्स। मैं जानवी को छोड़ के वापस आ गया हूँ, अभी भैया आ रहे हैं 10 PM। तो यहाँ पर ही मैंने सोचा कि सुना दें, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पर जो हमारा सोनी का साउंड सिस्टम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाउड बजा पाएंगे। और हम अपने घर में जो है अभी सिर्फ अलेक्सा है, मैं होम थिएटर लेने का प्लान कर रहा हूँ। होम थिएटर जो मैंने लेने का सोचा है वो वही है कि अभी अपने घर में थोड़ा जगह कम है, और जो मैंने सोनी का एक देख रहा हूँ और यामाहा का देखो, यामाहा का तो फिर भी सेटअप हो जाएगा, सोनी में जो है बड़े बड़े टावर्स हैं 4, तो उसको सेटअप करने के लिए जगह कम है। तो क्योंकि साउंड यहाँ पर अच्छा होगा तो भैया को यू नो लाउड वॉल्यूम में मैं अच्छे से सुना पाऊँगा, और हमारे पड़ोसी भी यू नो थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनको भी यू नो उनका सोच भी थोड़ा बुजुर्ग हो गया, तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो दिस इज द प्लेस वेयर आई टेक पार्ट मैन।
सो मैं अभी एसी को कर देता हूँ ऑन, इधर का एसी ऑन कर दिया, इधर का नहीं किया क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगेगी। मैं अभी आधे घंटे का पावर नैप लूँगा, और मैं पावर नैप कैसे लेता हूँ मैं ये भी बता देता हूँ। मस्त ये ज़मीन है और दिस इज़ द बेस्ट थिंग। हाँ सो चलो मैं पावर नैप लेता हूँ, फिर जब अंजू भी आते हैं ना फिर मिलते हैं। आई होप कि मुझे नींद आ जाए, अपडेट तो मैं दूंगा ही कि मैं सो पाया या नहीं। सो बेसिकली आई ट्राइड स्लीपिंग बट कुडंट, मेरा सर काफ़ी दर्द हो रहा है। सो बेसिकली एक लेसन जो है मैंने सीख लिया कि भाई अब क्या होगा, सर काफ़ी भारी लग रहा है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। और बस कोई नहीं, दो दिन से रिकॉर्डिंग और रियाज भी नहीं हो पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, एक तो थोड़ा हेल्दी सा ब्रेक होना ज़रूरी है। बट स्टिल ये कैसा ब्रेक हुआ जिसमें आप सो ही नहीं रहे। लेट्स सी अभी भैया कितने देर में आते हैं, अभी 9:46 PM हो रहा है, 31°C। देखो जान भी नहीं है तो पूरा एकेडमी में जो है मैं बस अकेले ही हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली, मुझे ये जो है बहुत बड़ा सा शिप लगता है ये जगह, जिसको कि मैं ईश्वर के थ्रू चला रहा हूँ। I hope God always bless me. तो काफी मतलब जैसे overseas का तो मैं पता, अगर जो आपको मैंने अगर टाइप करने को already नहीं करके रखा हुआ है तो overseas से even speaking आई जो ये करना की queen आई हुई थी अभी और इसी पर उनकी काबिल इन सब सकते हैं जिन्हें overseas का पूरा distribution before you नहीं किया before you क्या। So the time update is 11:24 PM with 30°C temperature. It's here. I thought कि श्रेष्ठा जो है वो सो गई होगी, लेकिन वो अभी तक जगी हुई है और बहुत हल्ला कर रही है और चैं भी कर रही है और चूँचू भी कर रही है और वो मेरे लिए खाना निकाल रही है उधर, और वो मुझे इंसिस्ट कर रही है कि मैं पैर हाथ धो लूँ, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ। मैं बस तो मैं अभी बस मस्त खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। मैं वही सोच रहा हूँ कि कल के व्लॉग का क्या टाइमिंग, कैसे क्या करूँ। माय गॉड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू थिंक एंड आई डोंट नो क्या कैसे होगा। चलो देखते हैं, अभी जो भी होगा मिलते हैं। लवाबदार पनीर ज़रा देख लीजिए आप। देखी है पहली बार तो श्रेष्ठा को आज वीडियो में देख सकते हैं, सिर्फ उसके ऐसे मुंह का ऐसे। उसका खप्पा भी देख सकते हैं, हम लोग खप्पा बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोला था श्रेष्ठा? पोनीटेल। तो आज बना है पनीर रायता और ये क्या आलू भरा हुआ पराठा। ये बहुत मतलब अलग पराठा, इसको जब तुम खाओगे तो खाते रहोगे। I can't wait to have this and oh my god. तो चलो अभी can you imagine ये क्या कर रही है? जी हाँ, तो ये निकाली अपने बाल से ये ऐसे yes. हजार है मेरे सर पे ऐसे। जी हाँ, तो ये ध्यान से देखो वो तो क्या सोचेगा कि मेरे सर पे क्या। तो इसको हम लोग ढीला बोलते हैं, हम लोग ढीला नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जू जू बोलते जू। सो इसको इतना सारा ढीला हो गया मैडम को। तो हमें याद है कि बचपन में मम्मी जो है हर एक माल आता था, हर एक माल करके, तो 5 रुपए में ढिलाहा कंघी या लिटरली अभी कंघी, अगर आप लोग को यू नो नहीं मालूम है कंघी, कंघी तो मालूम होगा ना लोगों को यार। कॉम्ब जो होता है उसको कंघी, तो उसमें जो है ना जो दांत रहता है ना दांत, उसको दांत ही हम लोग बोलते हैं। तो वो क्या होता है ना कि इतना, अभी जैसे देखो इसका ये हेयर बैंड है ना,
इसका देखो दांत बहुत ही नजदीक नजदीक में, सोच लो इससे भी बहुत नजदीक होता था। तो मम्मी क्या करती थी ना, ऐसा लगता था कि इतना प्रेशर दे रही है ना कि अंदर का चमड़ी वमड़ी छील के, चमड़ी मतलब स्किन, वो ऐसा खींच के, ये देखो ये ऐसा कुछ। दैट वॉज सो स्कैरी मोमेंट मेरे जिंदगी में। हमारी माता जी के साथ बहुत दो ही स्कैरी मोमेंट होता था, एक जब बचपन में मम्मी हमको नहाने के लिए दौड़ाती थी, दैट वॉज लाइक समथिंग कि आप सोचो कि मतलब मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती थी, ठंड के वक्त में मुझे नहाना पड़ता था और मम्मी जो है बहुत रगड़ रगड़ के नहाती थी, वो एक मैल खरनी होता था, मैल खरनी मतलब उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मैल खरनी भी नहीं बोलते थे उसको हाँ, हमको हम वही बोलते थे झामा बोलते, क्या बोलते झामा नहीं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्रबर, हाँ तो स्क्रबर, प्यूमिक स्टोन। तो मम्मी वो लेके भी घस देते थे, एकदम लाल हो जाता था, मतलब लेट्स सपोज कि ये इधर पोहनी के पास, ओह माय गॉड, दैट वाज सो 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 स्कैरी मोमेंट एंड बेसिकली फ्यू मोमेंट्स और विथ मम्मी, और मम्मी ऊन, ऊन सिलाई हमारे लिए स्वेटर बनाया करते थे, तो वो ठंडे का वक्त, वो सब मेमोरीज, ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे साथ ऐसा चल रहा है, अभी ये ढीला का वाला सीन लेके आई। तो लकीली वो हमारे इधर से ही है, तो उसको समझ में आ गया कि क्या चल रहा है, वो बचा ली एम्बैरेसमेंट, ढीला। तो और सम मोमेंट्स वाज कि मम्मी जो है फेरी वाला बोलते हैं ना छोटी, मम्मी बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया करती थी, जब जो इधर उधर लोकल आते हैं ना हमारे गांव देहात में बेचने के लिए, तो दोज ऑल मोमेंट्स काफ़ी इट विल रिमेन फॉर एवर इन माई हार्ट। एंड बस ये ऐसा सीन बना, तो आई होप आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो, तो आई गेस आई शुड एंड द व्लॉग हियर ओनली, क्योंकि पता चला नहीं तो कहानी ऐसा हो जाएगा ना कि हम बताने कर दिया जाएगा। आज के ब्लॉग का एडिटिंग मेरे द्वारा हो रहा है, सो डोंट वरी, आज के ब्लॉग में आपको कुछ भी ऐसा देखने को मतलब सब मिलेगा। हाँ, सो बेसिकली एक तारीख मुबारक हो, आज हो गया 1 जून 2019, 1 जून शनिवार, 12:01 AM and the temperature is 30 degrees Celsius. So that was all for this vlog, guys. Up the killer, keep spreading love and happiness. Ignore negativity, accept positivity. Be thankful to Almighty for whatever you have in your life. Have a dream, keep on chasing it. Keep on questioning yourself कि जो कुछ भी आपको आपके ज़िंदगी में चाहिए, क्या आप उस चीज़ को सच में दिल से पाने के लिए मेहनत कर रहे हो? Yes या no? अगर नहीं कर रहे तो कीजिए, और अगर आप कर रहे हो समझ जाओ कि हर रोज़ आप सक्सेस के करीब आ रहे हो, और जहाँ तक भी आप पहुँचना चाह रहे हो, ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग कि क्या आप डिजर्विंग है सच में। अगर डिजर्विंग नहीं है तो वर्क हार्ड लाइक हेल एंड बी द डिजर्विंग पर्सन, ट्रस्ट मी द डे यू विल बी एग्जैक्टली टर्निंग डिजर्विंग, गॉड विल गिव यू व्हाटएवर यू एग्जैक्टली डिजर्व, बिकॉज गॉड गिव्स अस एग्जैक्टली जो हम डिजर्व करते हैं, उससे ना ही ज़्यादा ना ही कम। तो बस अच्छाई बांटिए, खुशी बांटिए, प्यार बांटिए, इग्नोर ऑल द ईवल्स इन विद इन अस एंड लेट्स इवॉल्व अ बेटर अस। This is what I want to convey. So, chalo, I'll see you in the next vlog and in hashtag stay Chandelier Live and in multiple content. So, tada. तो ढीले का सीन कुछ ऐसा चलता था कि मम्मी जो है ऐसे आती थी, बैठती थी ऐसे नॉर्मली, ऐसे ऐसे हाथ फेरती थी, और उसके बाद जो है जैसे ये ऐसे बनाई और और ऐसा खींचती थी। कभी कभी क्या होता था, सिर्फ बाल ही ऐसा खींच लेती थी और ढीला इधर का इधर ही रह जाता था। नहीं, और फिर बोलती थी अस्थिर रहो ना, और अस्थिर रहना बोलती थी। दैट वाज रियली स्कैरी। आई एम ग्लैड कि अभी हमारे पास ढीला नहीं है। छूट गया। मम्मी वाज लाइक किक ऐस। सो आई होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग फॉर स्पेशली मेड, नाउ वी आर डिस्कसिंग थिंग्स। Ha ha ha!